नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सितारगंज में दो इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर कई मुकदमे पंजीकृत थे। काफी समय से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 20,000 और 15,000 रुपए के अलग अलग इनाम घोषित किए थे। पुलिस टीमों ने दोनों इनामी बदमाश को दबोच लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि सिडकुल की फैक्ट्री से नाजिम पुत्र साबिर निवासी लालपुर कला रामपुर, आलम पुत्र असलम निवासी रामपुर थाना रजबपुरा जिला अमरोहा प्लाईवुड भरकर ले गए थे। दोनों आरोपियों ने 8,87,000 रुपए की प्लाईवुड का गबन किया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर फरार नाजिम को 19 दिसंबर को दबोच लिया था, जबकि आलम फरार चल रहा था। आलम पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित किया था। एसआई जगदीश तिवारी ने फरार इनामी बदमाश आलम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एसआई कविंद्र शर्मा ने बाइक चोरी के मामले में वांछित 20,000 के इनामी बदमाश सर्वेश कुमार पुत्र रीतराम निवासी चंदपुरा थाना बिसलपुर जिला पीलीभीत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के साथी सत्यपाल सिंह के पास से चोरी की बाइक बरामद की गई थी। सर्वेश पुलिस टीम को देखकर तब फरार हो गया था। एएसपी ने बताया कि क्षेत्र में 13 इनामी बदमाश चिन्हित किए गए हैं। अब तक पुलिस 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। फरार 9 इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। के निर्देशों पर लगातार जो है वांछित और इनामी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चल रहा है, और इसी अभियान के दौरान सितारगंज पुलिस को इंस्पेक्टर सितारगंज और सीओ सितारगंज के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। तो इन लोगों ने दो इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक सर्वेश नाम का अभियुक्त है जो कि वाहन चोरी में वॉन्टेड था, और इस पर चोरी तथा मारपीट के पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, और ये मुकदमे बीसलपुर में इन पर दर्ज हैं यूपी क्षेत्र में। और साथ में दूसरा अभियुक्त जो है ये आलम है, ये एक 406 यानी अमानत में कैदत के मामले में वांटेड था, जिसमें से एक गिरफ्तारी पहले भी इस मामले में हो चुकी है। और इन लोगों ने कुछ प्लाईवुड को जो है गायब किया था, और उसी के क्रम में इन पर मुकदमा था। और इन दोनों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी से अपराध में निश्चित रूप से कमी आएगी, और इन टीम ने बहुत अच्छा काम किया इंस्पेक्टर सितारगंज और सीओ सितारगंज के नेतृत्व में, और आगे भी अभियान जारी रहेगा। जो भी वॉन्टेड क्रिमिनल्स हैं और जो रिवार्डीज हैं उन पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और उनकी लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।